बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्किन एंड हेयर सीक्रेट चैनल के साथ मैं हूँ आयशा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके साथ एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको आलू और दूध से रंग गोरा करने का आजमूदा नुस्खा बताऊँगी। ये वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए है जो अपनी काली सांवली और चिकनी जिल्द की वजह से बहुत परेशान है। आज के इस दौर में नाज़रीन, चाहे वो मर्द हो या औरत, खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं। इस मकसद के लिए वो कई पैसे भी खर्च करते हैं और कई क्रीमें और फेस वाश का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका कोई खातर खबर नतीजा तो नहीं निकलता। ये सिर्फ पैसे का ज़िया है। इस वजह से मैं आपके लिए ये रेमेडी लेकर हाजिर हुई हूँ जो सिर्फ और सिर्फ कुदरती अज़ा पर मुश्तमिल है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो रेमेडी बनाने से पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है आलू का रस और दूध। 2 चम्मच आलू का रस, 2 चम्मच ही दूध। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आलू का रस रंगत निखारता है, स्किन को टाइट करता है और दूध क्लींजिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है और ये चेहरे पर ग्लो लाता है। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द तैयार हो जाती है। ये देखें, बिल्कुल इस तरीके से आपने तैयार करना है। स्किन, ये दूध जो है वो स्किन वाइट करता है। और इसको लगाने का तरीका ये है कि इसको रुई या टिश्यू पेपर के साथ अपने चेहरे और गर्दन पर अच्छे तरीके से लगा लें और तकरीबन 20 मिनट तक अपने चेहरे और गर्दन पर लगा रहने दें। 20 मिनट के बाद मुंह धो लें तो आपको इसके हैरान कुन नतीज मिलेंगे। ये स्किन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें कोई बाजारी क्रीम या केमिकल वाली अशिया नहीं मिलाई गई। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।